नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले 8th स्टैंडर्ड में से चैप्टर 11th चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। उस स्टैटिस्टिक चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट जो हमारा 11.1 है, 11.1 प्रैक्टिस सेट है, उसमें से फर्स्ट और सेकंड वीडियोस, सेकंड एग्जांपल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल में हमें क्या दिया है कि कुछ बच्चों ने प्लांट लगाया है, प्लांट लगाया है, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम स्कूल में हुआ था 30 स्टूडेंट्स का। मैंने डायरेक्टली चार्ट लिखा है, क्वेश्चन है बड़ा, आपके बुक में आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। तो इस चार्ट में क्या दिया है कि बाबा देखो, स्कोर दिया है कितने ट्री लगाए हैं। कुछ बच्चों ने एक ट्री लगाया, कुछ बच्चों ने दो लगाए, कुछ बच्चों ने थ्री ट्रीज प्लांट किए हैं, कुछ बच्चों ने फोर ट्रीज प्लांट किए हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है और यहाँ FIX है। तो देखिए, चार बच्चे जो है उन्होंने एक एक पेड़ लगाया है, एक एक ट्री लगाया है, एक एक पौधा लगाया है। सिक्स स्टूडेंट्स ने टू टू ट्रीज लगाए है, 12 स्टूडेंट ने थ्री ट्रीज लगाए, थ्री थ्री ट्रीज लगाए है, और 8 स्टूडेंट ने 4-4 ट्रीज लगाए है। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखेंगे FIX। ये स्कोर से ये फ्रीक्वेंसी है, 1 × 4 = 4, 2 × 6 = 12 बराबर, 3 × 12 = 36 और 4 × 8 = 32। ओके, उसके बाद यहाँ n इज इक्वल टू, इस बॉक्स में क्या करेंगे, इन सब की टोटल, 6 + 4 कितना हो गया 10, और 12 + 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। इस बॉक्स में इन सब की टोटल आ गई 30। इन सब की टोटल क्या है, 4 और 2 = 6, 6 और 6 = 12, 12 और 13 = 14 के 4 एक आया ऊपर। ओके, 1, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो समेशन FIXI इज इक्वल टू 84 आ गए। ओके, तो अभी मीन निकालना है, ये बॉक्स हमें फिलअप करना है। मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन FIXI, इस साइन का नेम है समेशन, समेशन FIXI अपॉन n। FIXI कितना है, समेशन 84 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 30। ओके, सो 84 अपॉन 30, देखिए 30 को 84 से डिवाइड करो, 32 = 60, 4 आए ऊपर से, 8 - 6 = 2, 24। अभी 24 तो 30 के टेबल में नहीं आते, 30 से छोटे, तो हम यहाँ क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे और यहाँ जीरो डालेंगे, 38 = 240, 38 = 240, so 240 - 240 = 0, कितना आया, 2.8 आया मीन। द एवरेज नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड कितना है, 2.8। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ये बॉक्स कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। ओके, उसी तरह से सेकंड नंबर का चैप्टर आमित है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाली फैमिली है, 25 फैमिली जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, और किसी ने 30 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज किए हैं, किसी ने 45, तो इस तरह का ये चार्ट दिया है। यह चार्ट हमें कंप्लीट करना है, और उसके साथ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये 4, इस क्वेश्चन के भी आंसर इस चार्ट के ऊपर से हमें देने, इस चार्ट का ऑब्जर्वेशन करके देने। देखिए, 30 यूनिट 7 फैमिली ने यूज किए, 45 यूनिट्स 2 फैमिली ने यूज किया है, 60 यूनिट 8 फैमिली ने, 75 यूनिट 5 फैमिली ने यूज किया है, और 3 फैमिली ने 90 यूनिट एक महीने में यूज किए। ओके, जिस तरह से हमने दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, देखिए FIXI FI × XI बोले तो मल्टीप्लाई FI वाली लाइन का और XI वाली लाइन का, देखिए 37 = 210, 45 = 90, 68 = 480, 75 = 375, इनका मल्टीप्लाई करने का सबका। ओके, 93 = 270, तो इस तरह से ये दोनों का मल्टीप्लाई करके उधर हम आंसर लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इन सब की एडिशन, यहाँ 25 मैंने पहले से लिखी है, सब की एडिशन करने की, 7 + 2 = 9, 9 + 8 = 17, 17 + 5 = 22, 20 + 3 = 25 आए। ओके, और इनकी एडिशन, 0 + 0 = 5, यहाँ आए 5, उसके साथ 1 + 9 = 10, 18 + 7 = 25, 25 + 7 = 32 के 2 ऊपर आए 3, 3 + 2 = 5, 9, 10, 11, 12, 12 + 2 = 14, so 1, 4, 2, 5,
1425 ये समेशन है, ओके। तो ये चार्ट तो हमने कंप्लीट किया है, अभी हमें क्या करना है, उस चार्ट के आधार पर दिए हुए क्वेश्चंस जो है उनके आंसर हमें देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कितनी फैमिली यूज करती है, उसके सामने टू फैमिली 45 यूनिट यूज करती है, तो यहां हमारा आंसर आएगा 2 आएगा। उसी के साथ द स्टेट द स्कोर, हमें स्कोर बताना है, अभी क्या बताना है, स्कोर बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिच इज 5 फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 5 जो फ्रीक्वेंसी किसकी है 75 स्कोर की है, तो स्कोर कितना है 75, ये हो गया 75। उसी के साथ n कितना है, हमने तो निकाला है भाई 25, और समेशन है पाई एक्स आई कितना है 1425, ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड मीन, मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला क्या है, देखिए इधर हां हमने देखा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, यह मीन का फार्मूला है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, समेशन एफ आई एक्स आई कितना 1425 डिवाइडेड बाय एन कितना है 25 है, डिवाइडेड बाय 25, सो 25 को हम क्या करेंगे 1425 को डिवाइड करेंगे। देखिए 25 3 जा 125, 2 में से 5 तो नहीं जाता, 12 में से 5 गए 7 यहां आया है, 4 में से 2 और 1 3 गए, 1 आया ऊपर से आया 5, 175, 25 7 जा, सॉरी सर 25 3 जा नहीं 25 5 जा 125 और 25 7 जा 175, तो यहां कितना आंसर आएगा हमारे पास 57, तो 57 यूनिट्स ये आएगा हमारा मीन। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, एकदम आसान है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस 8 9 10 11 स्टैंडर्ड की और बहुत सारे स्टैंडर्ड की हम अपने YouTube चैनल पर अगले कुछ दिनों में अपलोड करने वाले हैं, वह वीडियो आपके पास पहुंचे जल्द से जल्द ऐसा आपको लगता होगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वो भी एक फ्री में। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे जल्द से जल्द इसी चैनल पर क्रिएटिव मैथ्स पे, ओके थैंक यू।